Assalamualaikum everyone, this is me Afshan Sari. I am your maths teacher, as you know. Hope you all are good, healthy at your home. So today I am going to conduct your book work. आज आपका book work है, आपने book work करना है. Today is Monday that you need to do the book work. आपने ये work आज का book में ही करना है. Got it? So we need to start it. This one, the page number 11. Page number 11 till 15 आपने करना है book में. I am going to tell you how. Firstly, you need to mention the date. Today is 9-08-21. Done. And over here, what you will write? You need to write OC. Done. Online classes. Got it? So over here, they were writing one heading and one question. Do you remember big and small? क्या आपको remember है इसमें से कि क्या big होता है और क्या small होता है? In each pair, कलर द स्मॉलर वन ब्लू एंड द बिगर वन रेड. आपने इन पेयर्स के अंदर स्मॉल वाले को ब्लू करना है. वी हैव टू कलर्स, आई एम गोइंग टू शो यू लाइक दैट. डन. दिस वन इज ब्लू एंड दिस वन इज रेड. सो वेयर यू विल डू द ब्लू कलर? इज स्मॉलर. आपने ब्लू कलर कहाँ करना है? छोटे वाले में. इसमें ब्लू कलर करना है आपने. और एंड द बिगर वन रेड. गॉट इट? आपने इसमें रेड करना है. डन. So you need to check and you need to do the things like that. Firstly, I am going to tell you that which one is smaller or which one is bigger. So you can come and check the picture. In question number 8, two buckets are here. Two buckets hain yahan pe. Isme se smaller kaun si hai? This one? No. This one. It is a smaller one and it will be the bigger one. Ye badi hai aur ye choti hai. So in smaller you need to use blue or in bigger you need to use red. Same thing you need to check here. In question number B, two pictures are here. Which one? The same picture is here. Big one table and a smaller one. So in bigger one you need to do the red color or in a smaller one you need to do the blue color. I am just telling you, you need to firstly check it and do the color like that. Alright? टीचर आपको सिर्फ बता रही हैं आपको कौन सी पिक्चर में कौन सा कलर करना है. कलरिंग आप खुद करेंगे. गॉट इट स्टूडेंट? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सी. कैन यू सी द टेडी बियर्स? टू टेडी बियर्स आर हियर. विच वन इज स्मॉलर? दिस वन. एंड विच वन इज बिगर? दिस वन. सो वेयर यू नीड टू डू द ब्लू कलर? आपने ब्लू कलर कहाँ करना है? स्मॉलर में. सो इन स्मॉलर यू नीड टू डू द ब्लू कलर. गॉट इट? और इन बिगर यू नीड टू डू द रेड कलर. आपने बड़े टैडी में कौन सा कलर करना है? रेड. सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई ऑन दिस. हाउ? वन बॉटल्स आर हियर. इन बॉटल्स बिगर वन में आपने करना है रेड कलर एंड स्मॉलर में आपने करना है ब्लू कलर. लाइक दैट. गॉट इट? सबसे पहले आपने पिक्चर्स चेक करनी है. विच वन इज ग्रेट? विच वन इज बिगर? बड़ी कौन सी पिक्चर है? विच वन इज स्मॉलर? स्मॉल कौन सी पिक्चर है? गॉट इट? अब फिश में से कौन सी वाली बिगर है? दिस वन और दिस वन? दिस वन. सो यू नीड टू डू द रेड कलर हेयर और यू नीड टू डू द ब्लू कलर इन ए स्मॉलर फिश. गॉट इट? आपने इनमें ऐसे कलर करने. नॉट लाइक दैट, यू नीड टू डू द प्रॉपर कलर. टीचर अभी आपको एक पिक्चर में फुल कलर करके दिखाएंगी, बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ यू विल चेक द पिक्चर. लाइक दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज बिगर. ये वाली कार छोटी है और ये वाली बस बड़ी है. अभी इन्होंने बता दिया है कि इसके ना डिफरेंस होता है यहाँ पर ना. यहाँ इन्होंने डिफरेंस ही बता दिया. और अगर आप डिफरेंस ना चेक करें कि ये ऐसी होती है ऐसी होती है, आप सिर्फ ये चेक करें इसमें से छोटा कौन सा है और इसमें से बड़ा कौन सा है. गॉट इट? सो स्मॉलर कौन सा है इसमें से? दिस वन. और बिगर कौन सा है? दिस वन. सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल डू द कलर. वन फिश आई एम गोइंग टू फिल आउट. टीचर ये फिश आपको फिल आउट करके दिखा रही हैं कि आपने फुल करना है इसमें. कलरिंग आपने फिल करनी है. ऑलराइट? ठीक है? लाइक दैट. गॉट इट? समझ गए आपने कलर कैसे करना है? लाइक दैट. और यू नीड टू डू द कलर ऑन द बिगर थिंग्स. आपने बड़ी चीज़ों में कलर कैसे करना है? लाइक दैट. गॉट इट? आपने कलर इसके अंदर इस तरीके से पूरा फिलअप करना है. All right. Maybe I'm not good in doing fill the space. Like, वो तो पिक्चर अच्छी नहीं हो कलरिंग करने में, but I'm trying my level best.
Alright? So I know guys, you can do it. You can complete your work like that. आपने अपना work neat and clean करना है. Coloring बहुत प्यारी करनी है. Alright? So you need to do the work like that. Then आपने पेज नंबर 11 पे क्या करना है, ईच पेयर को स्मॉलर और ब्लू से आपने कॉन्टेक्ट करना है और स्मॉलर और बिगर को देखना है और ब्लू और रेड को चेक करना है. बड़ी वाली पिक्चर में, बिगर पिक्चर में रेड कलर और स्मॉलर पिक्चर में ब्लू कलर. गॉट इट? नाउ वी नीड टू कंटिन्यू आवर पेज नंबर 12. गॉट इट? सही है. सब हम अपना पेज नंबर 12 देखेंगे. ठीक है, पेज नंबर 12 हम देखेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे. I'm going to tell you that where you need to mention the date. Here, आपने यहाँ क्या करना है, डेट मैंशन करनी है सबसे पहले. So today is 9-8-21 and here OC. Got it? ठीक है. Alright. So आपने क्या चेक करना है यहाँ पे, write bigger and smaller. One has been done for you. अब यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दी है यहाँ पे, और यहाँ आपको क्या चेक करना है कि इसमें से बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है. ठीक है, वन हैज़ बिन डन आपके लिए करके दिखाया. अब इसमें जो है ना, जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमेशा स्मॉलर होती है और जो बिगर दिखाई गई है वो हमेशा बिगर होती है. जो स्मॉलर होती है वो इन्होंने आप शो कर दिया. हेलीकॉप्टर विल बी द स्मॉलर, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एरोप्लेन की नस्बत. एरोप्लेन विल बी द बिगर वन. गॉट इट? सही है. उसके बाद आपने क्या चेक करना है, ये एयर बलून है. सो एयर बलून विल बी द बिगर वन. हमेशा एयर बलून बड़ा होगा बनिस्बत अकॉर्डिंग टू लाइक दिस वन बलून. ये जो हम बलून मतलब बलून का नाम एयर भरते हैं, ये बलून हमेशा छोटा रहेगा. ठीक है, और दिस वन बलून विल बी द बिगर वन. सो यू नीड टू राइट द बिगर. आपने इनको नाम नेम देने. ऑलराइट, आपने इनको नेम देने. सेम थिंग हेयर, यू नीड टू राइट स्मॉलर. ये वाला बलून छोटा है, आपने यहाँ पे लिख दिया स्मॉलर. गॉट इट? कम टू दी पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी में आपने क्या करना है, यू कैन चेक द पिक्चर. फर्स्टली आपने पिक्चर चेक करनी है. पिक्चर आपने चेक करनी है. पिक्चर में क्या होगा कि आपने पिक्चर चेक कर ली. अब एलिफेंट कभी भी रैबिट जितने साइज का नहीं हो सकता, और रैबिट इट विल नॉट बी लुक लाइक दैट. कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता लाइक दैट. ऑलराइट, सो यू नीड टू गिव द नेम. इनको नेम देना आपने, स्मॉलर और बिगर. ये रैबिट यहाँ पे क्या है, स्मॉलर. गॉट इट? एंड एलिफेंट विल बी द बिगर. एलिफेंट क्या हो जाएगा, बिगर, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है. गॉट इट? ऑलराइट, सो कम टू द सेकेंड लास्ट पिक्चर एंड यू कैन चेक बोथ पिक्चर्स. वन शिप इज देयर एंड वन वट इज़ कॉल्ड लाइक, ये शिप होता है और ये क्या होती है, लॉन्च होती है. छोटी वाली लॉन्च होती है और बड़ा वाला शिप होता है. सो यू नीड टू गिव द नेम टू द शिप बिगर. ये बड़ी है ना, सो यू नीड टू गिव द नेम लाइक दैट. आपने इसको बिगर में ले आना है. और ओवर हियर इन शिप यू नीड टू राइट शिप. ऑलराइट, ठीक है. सो यहाँ पे आपने शिप की नेम नहीं लिखनी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्मॉलर लिखना है. वट यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट स्मॉलर. गॉट इट? सो आपने यहाँ पे नेम नहीं लिखने चीज़ होगी कि ये शिप है या ये लॉन्च है या ये एलिफेंट है या ये रैबिट है. यू नीड टू गिव द नेम, दिस वन नेम. विच वन नेम? बिगर एंड स्मॉलर. गॉट इट? सो हेयर यू नीड टू राइट स्मॉलर. गॉट इट? सो यू नीड टू कंप्लीट दीज पेजेस लाइक दैट. गॉट इट एवरीवन? ओके एवरीवन, सो वी नीड टू स्टार्ट आवर न्यू नेक्स्ट पेज. विच वन पेज? पेज नंबर 13. अब हम पेज कौन सा करेंगे, 13. वी हैव डन पेज नंबर 11-12 एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू पेज विच इज पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 करेंगे. फर्स्टली वी नीड टू मैंशन द डेट. टीचर यहाँ पे डेट मैंशन करेंगी. टूडे इज 9, द मंथ इज 8 एंड द ईयर इज 21. एंड ओवर ईयर सेम थिंग, ओ सी. गॉट इट? हेयर दे वर राइटिंग दैट, डू यू रिमेंबर लॉन्ग एंड शॉर्ट? क्या आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट का वे पता है, इसमें से छोटा और बड़ा कौन सा होता है? ठीक है. और इन ईच पेयर कलर द शॉर्टर और ब्लू वन ब्लू. आपने इसमें भी सेम थिंग करना है जो आपने पेज नंबर 11 पे करा था, दैट शॉर्टर विल बी ब्लू. वहाँ पे स्मॉलर था ब्लू में, और लॉन्गर विल बी रेड. लॉन्गर में रेड करना है. दे वर गिविंग यू वन एग्जाम्पल एज वेल. कैन यू सी दिस वन? हेयर ब्लू इन स्मॉलर वन, रेड इन बिगर वन. आपने रेड कहाँ यूज़ करना है, ये क्या कह रहे हैं आपसे?
अच्छा वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल भी आपको दी हुई टीचर आपको बता रही है, यू टू जस्ट फॉलो द थिंग्स लाइक दैट, हाउ दैट दिस वन इज ब्लू इन स्मॉलर, ये बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है ना तो इसमें यहाँ फॉलो करना है आपने, छोटे में ब्लू करना है, फाइन, सो यू नीड टू चेक द ब्लू अदर एज वेल, लाइक दिस वन एरो इज बिगर वन, दिस वन इज स्मॉलर इन स्मॉलर, यू नीड टू डू हेयर, यू नीड टू चेक द पेंसिल, सेम थिंग यू नीड टू फॉलो हेयर, जो आपने पेज नंबर 11 पे करा है वही आप यहाँ करेंगे, वहाँ पे फर्क हेडिंग का था, लाइक दैट वन इज द बिगर एंड स्मॉलर, ओवर हेयर लॉन्गर एंड शॉर्टर, ये लंबे और छोटे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े और छोटे की बात हो रही थी, ऑलराइट, सो इसको अगर आप लें आपके सेंस में तो सेंस में ये एक ही बात होती है, बड़ा छोटा क्या होता है, ठीक है, सो यू नीड टू फॉलो द थिंग्स लाइक दैट इन स्मॉलर ब्लू वन, इन स्मॉल स्नैक ब्लू वन, इन स्मॉलर ब्लू वन, बट यू नीड टू गिव द नेम, देवर सिंग राइट लॉन्गर एंड शॉर्टर, ये आपसे क्या कह रहे हैं कि आप लॉन्गर और शॉर्टर भी लिखें, फर्स्ट यू नीड टू कम्प्लीट दिस, लाइक इन बिगर वन रेड, इन बिगर वन रेड, बिगर वन पेंसिल रेड, बिगर वन स्नैक रेड, बिगर वन जैक रेड, फाइन, सो हेयर यू नीड टू राइट द नेम एज वेल, शॉर्ट में शॉर्ट शॉर्टर लिखेंगे और लॉन्ग में लॉन्गर, फाइन, सो यू नीड टू राइट लॉन्गर शॉर्टर हेयर लॉन्गर, क्योंकि ये बड़ी एरो है ना, हेयर स्मॉलर, सॉरी नॉट स्मॉलर, शॉर्टर हेयर शॉर्टर, क्योंकि इन्होंने पहले स्पेलिंग पहले पेंसिल कौन सी बनाई हुई, छोटी, हेयर बिगर, सो यू नीड टू राइट हेयर लॉन्गर, ये लंबी पेंसिल है इससे, फाइन, हेयर यू नीड टू राइट शॉर्टर, क्योंकि ये इससे छोटा, ये छोटा इससे सांप है और ये जो स्नैक है ये लंबा है, सो यू नीड टू राइट लॉन्गर, गॉट इट, ऐसे ये वाली जो पेन है तो ये पेन जो होती है वो कैसी है, पेन जो है वो ये वाली स्मॉलर है, मतलब शॉर्ट है, यहाँ पे हम शॉर्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो यू नीड टू राइट हेयर शॉर्टर, और हेयर ये बड़ी है लंबी है तो ये लंबी को क्या कहते हैं हम, लॉन्गर, गॉट इट, ऑन पेज नंबर 13 यू नीड टू चेक द लॉन्गर एंड शॉर्टर, आप पेज नंबर 13 पे क्या चेक कर रहे हैं, लॉन्गर एंड शॉर्टर, और ऑन पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आप क्या चेक कर रहे थे, आप चेक कर रहे थे स्मॉलर और बिगर, डन, बट यू नीड टू फॉलो द कलर लाइक दैट, वहाँ भी आप ये कर रहे थे, छोटे में आप ब्लू कलर कर रहे थे, सेम थिंग लाइक दैट, और बिगर में इन रेड कलर आप कर रहे थे, तो यहाँ भी आपको सेम करना है, गॉट इट, नाउ कम टू द पेज नंबर 14 पेज यू विल नॉट स्टार्ट या राइट नाउ, यू नीड टू राइट लीव, लीव इट राइट नाउ, यू नीड टू जस्ट राइट लीव, आपने यहाँ पे सिर्फ इतना लीव, ये लीव कर रहे हैं हम, वी नीड टू डू दिस वन वर्क इन द क्लासरूम, नॉट ऑन ऑनलाइन क्लासेस, हम ये वाला वर्क क्लासरूम में करेंगे, फिर इस तरीके से आपको पिक्चर ड्रॉ करना भी आ जाएगी और आपको लिखना भी आ जाएगा कि हाउ यू विल गिव द नेम्स ऑन इट, ठीक है, पेज नंबर 14 वी विल नॉट डू, हेयर यू नीड टू राइट क्रॉस, ऑलराइट, सो कम टू द पेज नंबर 15, दिस इज द लास्ट पेज ऑफ टुडे, ये आज का लास्ट पेज है, आपने लास्ट पेज करना है, हाउ, फर्स्ट यू नीड टू मैंशन द डेट, टुडे इज 9, द मंथ इज 8 एंड द ईयर इज 21, हेयर यू टू राइट द ओसी, ओसी मीन्स ऑनलाइन क्लासेस, हेयर यू नीड टू चेक द क्वेश्चन दैट डू यू रिमेंबर टॉल एंड शॉर्ट, टॉल जो लंबा होता है, ठीक है, और शॉर्ट जो छोटा होता है, कलर द शॉर्टर ब्लू एंड टॉलर रेड, वही बात कह रहे हैं आपको ये कि आपने ब्लू कलर जो है वो शॉर्टर में करना है और आपने रेड कलर जो है वो कहाँ करना है, लंबे में करना है जो लंबा होता है, बट हेयर आपने पिक्चर्स को पहचानना है, ठीक है, कि ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ठीक है, सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट द वर्क, हाउ दे वर राइटिंग द नेम एज वेल, एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, आपने एग्जाम्पल देखनी है और उसके बाद आपने राइट टॉलर एंड शॉर्टर कर देना है, डन, दिस इज द बिल्डिंग, सो बिल्डिंग ऑलवेज क्या होती है, टॉलर होती है, लंबी होती है, सो दे वर राइटिंग द टॉलर, इट इज गुड एंड इट इज फाइन, ओवर हेयर हाउस इज देयर, हाउस क्या होते हैं ज़्यादातर वो शॉर्टर होते हैं, जस्ट टू मीन्स टू फ्लोर विल बी देयर, थ्री फ्लोर विल बी देयर, ऐसे जो टू फ्लोर वाले होते हैं उनको हम हाउस कह सकते हैं, वन जो फिर ग्राउंड फ्लोर होते हैं, सो दैट्स वाई दे वर गिविंग अस द नेम लाइक दैट शॉर्टर, ओवर हेयर द पिक्चर्स आर सेम हेयर, दे डिड नॉट गिव अस दिस वन क्राइटेरिया, इन्होंने ये क्राइटेरिया हमें नहीं दिया कि ये हमेशा लंबा ही होता है तो ये लंबा कहलाएगा, ये छोटा तो छोटा कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है, दे वर गिविंग द सेम पिक्चर्स और सेम पिक्चर्स को उन्होंने बड़ा छोटा कर दिया, लंबा छोटा कर दिया, आपने उनको नेम देने, सो दैट इज द जिराफ, ये जिराफ होता है तो आपने जिराफ को नेम देना, दिस इज द शॉर्टर, नो दिस इज द टॉलर, यू नीड टू राइट हेयर टॉलर एंड दिस इट विल बी द
shorter. आपने इनको ऐसे नाम देने. This one lamp will be a shorter, क्योंकि ये छोटा है आप इसको shorter कहेंगे. This one will be the taller. ये क्या हो गया? Taller हो गया. Done. This one tree will be the taller. ये बड़ा tree है ना, इसके नस्बत ये बड़ा है ना, so you need to write here taller. और over this one will be the shorter. Got it? You need to do this one work by yourself. ये आपने खुद नहीं करना है. I will not write anything over here. You need to just check it. जो लंबा है उसमें आपने क्या लिखना है? Taller. और जो छोटा है उसमें आपने क्या लिखना है? Shorter. Same thing, taller and shorter. Done. Now I will give you just one example. Teacher आपको एक और example देंगी. एक example दे चुकी है. From here I need to give the example like from tree. Tree से दे रही teacher आपको. If the tree is taller, अगर tree taller है तो उसमें क्या color होगा आपका? Red color होगा. But if the tree is shorter, अगर tree shorter है, so you need to use the blue color like that. आपने पूरे ट्री में इस तरीके से ब्लू कलर कर देना है. गॉट इट? ऐसे करके अच्छा सा प्यारा सा करना है आपने ब्लू कलर. फाइन. और इन टॉलर ट्री, आपने टॉलर ट्री में क्या करना है? रेड कलर करना है इस तरीके जैसे आपने शॉर्टर में करा है ब्लू कलर. सेम एज इट इज लाइक दैट. ऑलराइट? और इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू दैट दिस इज योर बुक वर्क, आपने बुक में ही करना है. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इज that whenever I will give you the book work, आपने book work करना है. Whenever I will give you the copy work, आपने वो pages book के copy में करने हैं. क्यों? Like some parents were asking and I was giving this answer before that. मैंने पहले ही इस चीज़ का answer दे चुकी थी. Means I was telling you this thing in the starting of the video. Teacher ने पहले ही आपको बता दिया था कि आपने book work क्यों करना है और copy work क्यों करना है. और book work जब आप करेंगे आपको pages number मिलेंगे, copy work जब आप करेंगे तब भी आपको pages मिलेंगे. Alright, or one more thing that some students having on page number 14 this work, or someone having this one work over here. Kuch misprintings hain kuch books mein. So this is not our problem. So you need to check the work like that. Now I'm going to share the video problem. I'm going to share the PDF. Teacher aapke sath PDF share karengi. Pages number jitne bhi jayenge wo teacher likhti bhi hain aur ab unki pictures bhi share karengi. सो मैं कह रही थी आपसे, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि आपने फॉलो करना है इसी वर्क को. बुक वर्क इसलिए दिया जाता है मंडे को क्योंकि आपकी वेनिसडे वाले दिन कॉपी सबमिशन डे होता है. ठीक है? तो आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंप्लीट द बुक वर्क एंड सबमिट इट ऑन द टाइम ऑन वेनिसडे. देन यू विल हैविंग द वर्क ऑन थर्सडे. आपको फिर वर्क मिलेगा थर्सडे को. सो ऑन थर्सडे यू विल हैविंग द कॉपी. आपके पास फिर क्या होगा? कॉपी होगा. कॉपी होगी आपके पास तो आप इजीली वर्क कर सकेंगे. दैट्स वाई आई वाज डिसाइडिंग दिस टू डेज दैट ऑन मंडे आई विल गिव यू द बुक वर्क इंशाल्लाह और ऑन थर्सडे आई विल गिव यू द कॉपी वर्क इंशाल्लाह. फाइन. देन यू पीपल विल नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड आई ऑल्सो. फाइन. और इफ यू हैव एनी क्वारीज, एनी प्रॉब्लम्स, यू टू राइट द कॉमेंट्स और यू टू कम द स्कूल. फाइन. सो होपफुली यू ऑल विल गॉट दिस चैप्टर्स टॉपिक्स. आप सब समझ चुके होंगे कि इसके टॉपिक्स क्या हैं, आपने वर्क कैसे करना है, आपने स्टार्टिंग करना है पेज नंबर 11 से टिल पेज नंबर 15 तक एक्सेप्ट पेज नंबर 14. आपने पेज नंबर 14 नहीं करना. गॉट इट? सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून विद आर न्यू टॉपिक. टिल देन अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.